सबसे पहले ट्रेलर को मैं बात करूं, ट्रेलर काफी अच्छा है और जिस तरह का विषय है इस मूवी में, जो मैसेज देना जा रहे हैं वो एक अनोखा है। आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह रिस्पॉन्स अब तक मिला है ट्रेलर को लेकर। ट्रेलर को तो एक्चुअली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। मतलब ट्रेलर को एक्चुअली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। 2 ही दिन में 4.9 मिलियन हो गया था, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि छोटी फिल्म है और बड़ी बड़ी फिल्मों को ही हम जितना देखते हैं उतनी को, मतलब वही फिल्म को इतने ज़्यादा व्यूज़ देते हैं, बट ऑडियंस इस फिल्म को इतना प्यार दे रही है। और ये मेरी पहली फिल्म है, वो देख के भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप प्यार देते जाइए, सपोर्ट करते रहिए। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ एक्चुअली जैसे पूजा ने कहा कि ये बड़ी बात है और छोटी फिल्मों के लिए तो बहुत बड़ी बात है कि आपका 2-3 दिन में 4.3 समथिंग हाँ, 3.3 4 3 मिलियन अभी हुआ है उस वक्त, तो इस तादाद में लोगों ने ट्रेलर को देखा। और दूसरी बात ये है कि जो मुझे पर्सनली फीडबैक मिला, लोगों ने इस फिल्म की ऑथेंटिसिटी या उसका जो लुक है वो लोगों को बहुत अच्छा लगा। लोग कह रहे हैं कि बहुत रियल फिल्म लग रही है। तो और इसके जो गाने हैं वो लोगों को पसंद आ रहे हैं, इसका जो म्यूज़िक है और किरदार, जो जो भी थोड़ा बहुत सीन आप देख पाते हैं जो कि विवान ने किया है या संजय मिश्रा या हमारा या इसका सीन आता है, वो लोगों को, लोग उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं। क्या बात मैम, मैं आपसे ये चीज़ कहना चाहूँगी। पहली बात तो आपको हेड्स ऑफ कि आपने बहुत अच्छा कैरेक्टर किया, मुझे देखा बहुत अच्छा लगा ओह मुझे थैंक ट्रेलर। यू। हाँ मुझे बताइए कि आपने जो कैरेक्टर किया उसके लिए आपने कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा शख्स था जिसे फॉलो किया कि मैं इसके अंदर प्रॉपर जा पाऊँ उसके लिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया। थोड़ी मैं ज़रूर घबराई हुई थी कि क्या, देखो एक तो मैं बिहार से हूँ तो वो मेरा कंफर्ट जोन तो है ही, लेकिन इस तरह की तबके की जो कि शेड्यूल कास्ट की कहानी है और बहुत ही गरीब, मतलब गरीब में से भी गरीब, जो सबसे अगर आप सोशल पिरामिड को देखेंगे उसमें जो सबसे नीचे पिरामिड में जो लोग हैं उनकी कहानी है, तो ऐसा किरदार मैंने अभी तक निभाया नहीं था। तो जाहिर है कि भाषा भी जो थी वो, वैसे मैं हिंदी बोलती नहीं हूँ और वैसा दिखती नहीं हूँ, वैसी स्थितियों में रही नहीं हूँ, तो वो मेरे लिए ज़रूर एक चैलेंज था। लेकिन मुझे बहुत कोशिश नहीं करनी पड़ी कि एक बार जैसे ही आप कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं, आप इन्वायरमेंट देखते हैं, आप देखते हैं आसपास कि किस जगह शूटिंग हो रही है, तो आप खुद ब खुद एज एन एक्टर वो चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे आप अपने अंदर लाने लगते हैं। और मुझे संजय मिश्रा ने कहा, मैं पूछी कि कैसे तैयारी करूँ, उन्होंने कहा कि ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी व्यक्ति को रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे व्यक्ति हमारे अंदर रहते हैं। आप अगर देखिएगा ध्यान से तो आप जिस स्थिति में पहुँचिएगा तो देखिएगा कि आप भी वैसे ही अमूमन बिहेव करने लगे हैं। तो ये हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर बहुत बड़ी कैपेसिटी है कि वी चेंज वेरी क्विकली। अगर मैं बहुत हाई फाई पार्टी में जाऊंगी तो मेरा मैनरिज्म डिफरेंट हो जाएगा, और मैं गांव में चली जाऊंगी तो मेरा मैनरिज्म डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक्सपोजर है। अगर एक्सपोजर नहीं रहेगा तो आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन मेरा एक्सपोजर है। मैं हिंदुस्तान के गांव में भी रही हूं, मैं जानती हूं कि गांव में लोग कैसे बात करते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे खाते हैं, और शहर में लोग कैसे रहते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं था। जैसे आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे अभी आप और जैसे आपका कैरेक्टर, जी जी ये ट्रांसफॉर्मेशन को जब आपके करीबी लोगों ने देखा तो आपको किस तरीके के रिप्लाई मिले ट्रांसफॉर्मेशन एक है गनी जिन्होंने कि अभी एक फिल्म डायरेक्ट की जिसमें प्रकाश झा ने काम किया था, उस फिल्म का नाम मंटो मट्टो की साइकिल। तो उनका ये था कि मैं आपको सोनल झा, मैं आपको देख के चकित रह गया हूँ तो इनफैक्ट लोग ऐसे नहीं पहचान पाते हैं, या उनको, कुछ लोगों को तो बहुत शौक लगता है, उनको लगता है अरे ये क्या कर दिया। तो ये मेरे लिए अच्छा है, मुझे वो शौक वैल्यू अच्छा लग रहा है कि लोगों ने शायद इमेजिन नहीं किया था कि मेरे जैसे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति ऐसा लग सकता है। तो जब मैं अगर कैरेक्टर जैसे लग रही हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि एक्चुअली मैं सोनल झा नहीं होके सहमुनिया ही लग रही हूँ। पूजा आप अपने किरदार के बारे में क्या कहना चाहोगे, क्या किस तरह का रोल देखने मिलेगा आपके किरदार में? ये बेसिकली साक्षी नाम है इस किरदार का। 18 साल की लड़की है, बहुत ही चुलबुली है, पढ़ाई में काफ़ी अच्छी है, लेकिन उसको ज़्यादा पढ़ाई करने देते नहीं है इसके घर वाले, क्योंकि वो फाइनेंशली इतनी स्ट्रांग रहते नहीं है। और कहीं ना कहीं ये माधव से मिलती है और इसको माधव से प्यार हो जाता है, बट ये माधव से अपना प्यार जाहिर नहीं कर पाती, दोनों ही नहीं कर पाते, क्योंकि इसको लगता है कि अपने ये अपने घर वालों को कैसे ही कन्विंस करेगी, क्योंकि माधव एक लो कास्ट से, एक लो कास्ट का बंदा है और वो वेल बीइंग के लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता है, क्योंकि अभी वो छोटा है और छोटे जात से, और ज़्यादा
खाने पीने के लिए उसके पास ज़्यादा कुछ है नहीं, तो वो अपनी फैमिली को कैसे कन्विंस करेगी कि मुझे उसे शादी करनी है। तो ये किरदार है बेसिकली साक्षी का। पूजा, आपकी एक शो आया था सिया करके, जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, उसमें आपका किरदार मुझे स्पेशली काफ़ी अच्छा लगा। जिस तरह डायलॉग्स था, स्क्रिप्ट वाइज काफ़ी अच्छा था, एंड मुझे जिस तरह लगता है लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगा। तो इसमें किस तरह की उम्मीदें बनती है आपकी तरफ से? ये बेसिकली एक बहुत अलग फिल्म है मेरे लिए और ऑडियंस के लिए भी, और सिया एक बहुत ही अलग फिल्म थी क्योंकि सिया रियल इंसिडेंट पे बेस्ड थी, जैसे कि आपने देखा होगा अगर फिल्म। तो ये दोनों ही जॉनर मेरे लिए बहुत डिफरेंट है, तो मैं काफ़ी खुश हूँ कि मेरा कोई भी काम सिमिलर नहीं आ रहा है, कुछ अलग देखने को मिलेगा मुझे भी और ऑडियंस को भी। स्क्रिप्ट वाइज कैसी अच्छी लगी, ये कोट की मैं बात करूं, जिस तरह स्क्रिप्ट वाइज सिया का एक अलग ही स्क्रिप्ट था, एक रियल बेस पे बनी है, और कोट की जिस तरह मैं ट्रेलर देखता हूँ, अगर मेरे हाथ में ट्रेलर है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अलग मैसेज देना चाह रहा है। तो आपको किस तरह लगती है स्क्रिप्ट, जब भी आपके पास आती है तो किस तरह से आप देखते हो स्क्रिप्ट को? जब मुझे इस फिल्म का नरेशन मिला था तो मैं थिएटर ही करती थी, और मैं यक्षगान के लिए गई थी, कर्नाटका एक डांस फॉर्म है वहाँ पे, वो एक्सप्लोर करने के लिए गई थी। तो जैसे ही स्क्रिप्ट मेरे पास आई, एक फ्रेंड के थ्रू आई थी, तो जब मुझे नरेशन मिला तो मैं काफ़ी एक्साइट हुई थी नरेशन सुन के, क्योंकि बहुत कनेक्ट फील कर पा रही थी एज अ ऑडियंस। पहले तो मैं अपने आप को एज एन ऑडियंस ही देखती हूँ, बाद में एज एन एक्टर देखती हूँ, क्योंकि अगर ये फिल्म एज एन ऑडियंस जब देखेगी तो हर एक अपर क्लास, मिडिल क्लास, लो क्लास, हर टाइप के इंसान इस फिल्म से कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये फिल्म अपने आप में बहुत कुछ बोलती है। अगर आप देखेंगे इस फिल्म को तो कनेक्ट कर पाओगे आप। तो मैंने सोचा कि मुझे ऐसी ही फिल्म करनी है कि जहाँ मैं अपने आप को एज एन ऑडियंस कनेक्ट कर पाऊँ, कि मेरा किरदार कनेक्ट कर पाए ऑडियंस, तो मुझे अच्छी लगी थी, तो मैंने आपको दिया। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जहाँ पर ये फिल्म की शूटिंग हुई, वहाँ पर जब शूटिंग के दौरान आपको क्या लगा, मतलब किस तरीके के रिस्पॉन्स आजू बाजू से आप पा रहे थे और क्या फील कर पा रहे थे आप शूटिंग के दौरान? अरे बहुत मज़ेदार जगह थी वो। एक्चुअली हम लोग, इफ मे आई से दैट, चमार टोला जो एक खास कम्युनिटी है, वो टोला ही था, उसी में एक घर जो छोटा सा एकदम वैसा ही घर बना दिया गया था जैसे वहाँ के लोग रहते हैं, और आसपास सारे लोग रह रहे थे। तो जब शूटिंग होती थी, हमारा सीन होता था, बहुत सारे लोग जो हैं इकट्ठा हो जाते थे। एक तो संजय जी बहुत पॉपुलर हैं, तो काफ़ी लोग संजय जी को देखने के लिए आते थे। लेकिन बहुत अच्छी बात ये थी कि एक उनको अगर बता दिया जाता था कि भाई शूटिंग चल रही है, आवाज़ नहीं चाहिए, तो वो लोग आवाज़ नहीं करते थे। वो चुपचाप खड़े होकर दिन दिन भर शूटिंग देख रहे हैं लेकिन आवाज़ नहीं करते थे, और बहुत सहयोग करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर शूटिंग कर रहे हैं, कुछ प्रॉप चाहिए, कुछ थाली चाहिए या लोटा चाहिए या ग्लास चाहिए, और नहीं है तो आप बगल के घर से मांग के ले आते थे अगर तो इस तरह का मुझे लगा कि कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा इन लोगों को सपोर्ट मिला, क्योंकि उनके लिए भी नई बात थी, और वो तो चमत्कृत थे, उनके लिए तो वो नया अनुभव था। उन्होंने कभी कैमरा नहीं देखा, उन्होंने कभी साउंड का ये नहीं देखा, लाइट्स नहीं देखी, तो मुझे लगता है कि एक तरीके से ये उनके लिए मेला था जिसमें नई चीज़ वो देख रहे थे, चमत्कृत थे। लेकिन हाँ, हम लोग जिस सिचुएशन में शूट कर रहे थे, जाहिर है वो क्योंकि आप बॉम्बे में रहते हैं और आपको सारी फैसिलिटी मिलती है, तो वो एक तरीके से मुश्किल तो था, क्योंकि वहाँ एसी नहीं है या फैन नहीं है या अलग कोई सेपरेट वैनिटी नहीं है, चेंज करने की जगह नहीं है, खाना खाने के लिए कोई अलग जगह नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़। शाम को बहुत मच्छर होता था वहाँ पे, हम लोग बाहर में बैठे रहते थे, कभी कुछ जला दिया, नहीं जलाया, लाइट्स नहीं रहती थी। तो इन सारी मुश्किलों के बावजूद, जब मुझे ये भी लगता है कि हमारा जो कम्युनिटी है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एक्टर, ये जो भी अगर कुछ करने जाते हैं तो किसी भी स्थिति में करके ही निकलते हैं, ये हमारा स्पिरिट है। तो मुझे लगता है उस स्पिरिट को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से निभाया। संजय जी की कोई खास बात अगर आप शेयर करना चाहो, क्योंकि काफी सारी स्टोरी बन जाती है जितने भी लाइक जो संजय जी के साथ काम करते हैं, वो उनके साथ मैं अगर इंटरव्यू करूँ तो अलग अलग स्टोरी रहती है उनकी, अरे उनकी संजय जी उनके साथ कमाल काम करना ही के एक अद्भुत बात हो जाती है। बहुत अगर आप बहुत दोनों एक छोटी छोटी स्टोरी बोल दें। संजय जी के साथ तो बहुत मेरा समय बीता है, एक्चुअली उन्हीं के साथ मेरे ज्यादातर सीन थे, तो मेरे गाइडिंग फोर्स भी थे और एक तरीके से हमारे लीडर भी थे। मैं, विवान और संजय जी एक साथ ठहरे हुए थे, तो एक ही साथ गाड़ी में जाते थे। उनको खाना बनाने का बहुत शौक है, खिलाने का बहुत शौक है, तो उनका पहला काम होता था, हम लोग गाड़ी से जा रहे थे, सब्जी मार्केट से गुजरते थे, और अच्छा आज ये बनाएंगे आज ये ले लो, आज ये बनाएंगे आज ये ले लो। और जिस होटल में हम लोग ठहरे थे उसके मालिक से उन्होंने बात कर ली थी,
शूटिंग खत्म होती थी वो जाते थे किचन में खाना बनाते थे और फिर वो सब मिल के खाते थे। बहुत अच्छी मछली उन्होंने बना के खिलाई। और संजय जी की बहुत बड़ी क्वालिटी जो कि मुझे सीखने को मिली, जब हम लोग जाते हैं तो बहुत सारा एक्सपेक्टेशन रहता है कि ये सुविधा रहनी चाहिए, बहुत नहीं लेकिन फिर भी मिनिमम में भी तो कुछ तो चाहिए। जैसे क्लीनिनेस का मैटर था कि साफ बाथरूम होना चाहिए, खाना जहाँ खा रहे हैं वहाँ हाथ धोने की सुविधा होनी चाहिए, साफ जगह से चाय बन मिलनी चाहिए। तो संजय जी को मैंने देखा कि उन्होंने अपने को डी क्लास कर लिया पूरी तरीके से। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कैसे जगह पे बैठे हैं, क्या सुविधा है। वो मुझे बहुत उनको उनसे सीखने को मिला। ये व्यक्ति जो कि इतना काम करके आ चुका है, ये जब कुछ सिचुएशन को देख के वो एडजस्ट करे तो फिर मैं क्या हूँ, यू कांट डिमांड। सो देन यू हैव दिस क्या कहें, दैट ही रियली इंस्पायर्ड अस स्पेशली मी। सो आई कीप गिविंग दिस एग्जांपल टू एवरीबॉडी कि यार संजय मिश्रा तो कमाल के व्यक्ति हैं और एकदम ही फसी नहीं है, कोई उनका डिमांड नहीं है, जो कि बहुत मुश्किल है उस तरीके के जोन में जाना। जब आप काम करते हैं थके रहते हैं, आपको मन करता है कि बेसिक सुविधा तो आपको मिलनी चाहिए, लेकिन वो कमाल के आदमी है। पूजा कुछ लाइनें ऐड करना चाहूंगी। जैसे कि सोनल मैम ने बोला कि वो बहुत ग्राउंडेड है, ये मुझे लगा था उनको देख के समझ में आ गया था कि बहुत ग्राउंडेड है। बट एक इंसिडेंट हुआ था कि मैं बैठी हुई थी, शूट से कम्प्लीट होके हम आ गए थे, नहीं शूट हमारा चल रहा था, सॉरी शूट हमारा चल रहा था, मेरा सीन रुका हुआ था और संजय सर का भी शूट रुका हुआ था, उनका सीन नहीं था। तो मैं ऐसी बैठी थी और मैं शांत बैठी थी, क्योंकि मुझे उनसे डर लग रहा था मैं उनसे बात कैसे करूँ, ये बहुत बड़े, मतलब मेरे दिमाग में था बहुत बड़े एक्टर हैं, ये क्या ही मुझसे बात करेंगे, क्या बात करेंगे मुझसे और मैं भी इनसे क्या बात करूँ। तो मैं ऐसी बैठी हुई थी, उनने मुझसे खुद से पूछा मछली खाती हो, मैं नहीं खाती मछली। तो फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं आ जाना मैं बनाऊँगा। और फिर यूपी का एक बहुत बहुत फेवरेट डिश है, उसको निमूना बोलते हैं यूपी में, तो निमूना वो बहुत अच्छा बनाते हैं। तो उन्होंने जब निमूना बनाया तो मेरे पापा भी निमूना बहुत अच्छा बनाते, तो उन्होंने साथ में करके बनाया था। तो वो मेरे लिए बहुत ऐसा डिफरेंट सा था कि इतना बड़ा एक्टर, इतना बड़ा आदमी, वो सामने बैठ के निमूना बना रहे हैं, वो खिला रहे हैं, सबको उसी हाथ से खा भी रहे हैं। मेरे लिए वो बहुत बड़ा स्पेशल था। थैंक यू सो मच। थैंक यू।